गुड मॉर्निंग. चलिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग ने पढ़ा था मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स तक हम लोग ने पढ़ लिया था. अब हम देखते हैं उसके आगे रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स. जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो ए बायोटिक फैक्टर्स पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उनके बेसिस में उनको कैसे डिवाइड किया गया है. ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा है. इस ग्राफ में एक्सटर्नल लेवल लिखा है, इंटरनल लेवल लिखा हुआ है. एक्सटर्नल लेवल मींस एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रहे हैं, और इंटरनल लेवल मींस इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं. होम्योस्टेसिस हमने पढ़ा था. होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस जब बॉडी की इंटरनल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, दैट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस. ठीक है, तो इस बेसिस पे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स के बेसिस पे जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप इज़ रेगुलेटर. रेगुलेटर मीन्स जिनमें होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड होती है, दे आर नोन एज रेगुलेटर्स. एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है लेकिन इंटरनल लेवल कॉन्स्टेंट बना हुआ है, दोज आर नोन एज रेगुलेटर्स. ठीक है, कन्फॉर्मर्स. कन्फॉर्मर्स क्या हैं? एक्सटर्नल लेवल चेंज होने से, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होने से इंटरनल कंडीशन भी चेंज हो रही है, दोज आर नोन एज कन्फॉर्मर्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पार्शियल रेगुलेटर्स या पार्शियल कन्फॉर्मर्स होते हैं. कुछ टाइम तक ये कन्फॉर्मर की तरह बिहेव करते हैं और कुछ टाइम तक ये रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर और कन्फॉर्मर. इसके अलावा दो और हैं, दे आर माइग्रेंट्स एंड सम आर सस्पेंड्स. माइग्रेंट्स मींस अगर वहाँ पर कोई चेंज है किस कंडीशन में, वेदर कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई चेंज है या कोई स्ट्रेस कंडीशन है तो वो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं. ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स तो नहीं एस्केप कर पाएंगे, एनिमल्स जो होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स. सस्पेंड्स क्या होते हैं? कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को चारों ओर से इस तरह से डॉर्मेंट स्टेज में आ जाए वो कंडीशन, दे आर नोन एज सस्पेंड्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटर्स. रेगुलेटर्स की बॉडी कैसी होती है? रेगुलेटर बॉडी साइज इज वेरी बिग एज कंपेयर टू वॉल्यूम, द सरफेस एरिया इज लेस. जिस भी बॉडी का साइज बिग होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा. लेकिन एज कंपेयर टू वॉल्यूम उनका सरफेस एरिया कैसा होता है? सरफेस एरिया कम होता है. विच कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड दे हैव द होम्योस्टेसिस. तो सरफेस एरिया जब उनका कम होगा तो क्या होगा? उनका हीट लॉस प्रोसेस भी कम होगा, उतना तेज़ी से नहीं होगा. सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस प्रोसेस तेज़ होगा, तो टेम्परेचर अंदर का मेंटेन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होगा? कि उनका सरफेस एरिया कम होना चाहिए. सरफेस एरिया कम होने के लिए क्या होना चाहिए? बॉडी बड़ी होनी चाहिए. बॉडी बड़ी होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होने के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम होगा. होम्योस्टेसिस इज अ एनर्जी फुल प्रोसेस. होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है. ठीक है, इसलिए इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है. इसलिए मतलब समझ में आ गया कि बॉडी क्या होगी? बिग होगी, सरफेस एरिया कम होगा. जब सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस कम होगा. ठीक है, कन्फॉर्मर्स. कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? जैसे कि पोलर बेयर्स हैं, जितने भी पोलर रीजन्स में एनिमल्स देखे होंगे वो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं. पेंगुइन है, पोलर बेयर्स हैं, इनकी साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है. क्यों बड़ी होती है? क्योंकि इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम रहे, जिससे कि हीट लॉस कम हो. कन्फॉर्मर्स. कन्फॉर्मर्स की साइज़ क्या होती है? छोटी होती है. सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जब साइज़ छोटी होगी तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और हीट लॉस उसमें तेज़ी से होगा, जिससे बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं. ये होते हैं कन्फॉर्मर्स. पार्शियल रेगुलेटर और कन्फॉर्मर, मतलब जो दोनों तरह से बिहेव करें, दे आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर एंड कन्फॉर्मर. रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल जैसे कि
रेगुलेटर्स जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, बड़े जानवर हैं, सारी तरह की बर्ड्स हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में भी रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। कन्फॉर्मर्स ज़्यादा क्या पाए जाते हैं अर्थ पे, इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। 99% एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स। प्लांट्स भी क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। माइग्रेंट्स क्या होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं जो टेम्परली मूव कर जाते हैं फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू हॉस्पिटेबल एरिया। स्ट्रेसफुल हैबिटेट क्या हो सकती है, स्ट्रेसफुल हैबिटेट अगर वहाँ पे खाने की कमी हो गई, या वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया किसी जगह का, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई। तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से मोर हॉस्पिटेबल कंडीशन में मूव कर जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, माइग्रेंट्स। एग्जाम्पल जैसे साइबेरियन क्रेन विजिट भरतपुर राजस्थान। राजस्थान में ये साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं, इतनी दूर से वो भरतपुर राजस्थान में हर साल आती हैं। फिर जब वो कुछ समय के बाद ये मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, टेम्प्ररी होता है, उसके बाद वो वापस अपनी जगह पे लौट जाती हैं। सस्पेंड्स क्या होते हैं, सस्पेंड्स जो होते हैं जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप को डॉर्मेंट स्टेज में लेते आते हैं, उनको हम कहते हैं सस्पेंड्स। जैसे एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, समर स्लीप, सीड फॉर्मेशन में जो बाहर का जो कोट होता है वो उसको अंदर सेफ रखता है, दैट सीड फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर सिस्ट फॉर्म हो जाती है, जिसके अंदर वो स्पोर्स सुरक्षित रहते हैं। डायापोज स्टेज, ये सारे स्टेजेस जो हैं दे आर नोन एज सस्पेंड्स। माइग्रेशन के डेफिनेशन क्या है, माइग्रेशन ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया। ऑर्गेनिजम्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट, लेकिन ये मूवमेंट कैसा है, ये मूवमेंट क्या है, टेम्परली मूवमेंट है, टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया, जहाँ पे उसको जो भी कमी थी वो पूरी हो सके। अगर टेम्परेचर ज़्यादा था तो टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा उधर मूव करेंगे, या टेम्परेचर कम था तो ऐसी जगह मूव करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो। फूड नहीं है तो जहाँ मूव करेंगे जहाँ पे उनको फूड मिल जाए। सस्पेंड्स फिशेज समर में क्या करती हैं, एस्टिवेशन। बियर क्या करते हैं, कोल्ड सीजन में हाइबरनेशन करते हैं, ये पढ़ाई है, कोल्ड सीजन में क्या होता है, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेशन में ये अपना एक साथ ज़्यादा खाना खा लेते हैं और कुछ मंथ्स के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो ये में फैट बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, फैट जब ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो फैट जो है इनको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और साथ में बीटा ऑक्सीडेशन से वाटर रिलीज होता है जो इनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज होता है। जू प्लैंकटॉन डायापोज बनाते हैं, डायापोज स्टेज में जाते हैं। जू प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच आर यूनिसेलुलर, दे आर नोन एज जू प्लैंकटॉन। जो एक्वेटिक एनिमल्स विच आर यूनिसेलुलर दोज आर नोन एज जू प्लैंकटॉन। एंड फाइटोप्लैंकटॉन्स एक्वेटिक प्लांट्स विच आर यूनिसेलुलर दोज आर नोन एज फाइटोप्लैंकटॉन्स। तो ये डायापोज स्टेज में आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सस्पेंड स्टेज। मेटाबॉलिकली लो हो जाते हैं इस टाइम में, अपने चारों ओर सिस्ट वॉल बना लेते हैं। एंडोस्पोरिन बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो जितने ये डॉर्मेंट स्टेजेस हैं दे आर विदस्टैंडिंग द एडवर्स कंडीशन, दैट इज नोन एज सस्पेंड। तो चार चीज़ें पढ़ ली, रेगुलेटर्स, कन्फॉर्मर्स, माइग्रेंट्स एंड सस्पेंड। चलिए नेक्स्ट, अडैप्टेशन। कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि कंगारू रैट पाया जाता है। इन ये सारे एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है।
कंगारू रैट, कंगारू रैट कहाँ का नेटिव है? नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट। ये एक ऐसा एनिमल है जो कभी पानी नहीं पीता है, नेवर ड्रिंक वाटर। लेकिन वाटर की ज़रूरत तो उसको मेटाबॉलिकली प्रोसेस में पड़ेगी, तो ये कहाँ से मिलती है उसको? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। बीटा ऑक्सीडेशन, फैट का जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा उससे एनर्जी भी रिलीज़ होगी और वाटर भी रिलीज़ होगा जो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ होगा। फर्दर टू कंजर्व वाटर ये क्या करते हैं, यूरिन का कंसेंट्रेशन कर लेते हैं टू सेव वाटर। कंगारू रैट कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में, कभी पानी नहीं पीते हैं। पानी का यूज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो होता है वो कहाँ से मिलता है इनको? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से मिलता है, जो एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। वाटर कंजर्व करने के लिए इनका यूरिन कंसेंट्रेटेड होता है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं कई बार पढ़ा है। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में कैम पाथवे हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में कैम पाथवे होता है। कैम पाथवे फिर से पढ़ लीजिएगा, क्या होता है कैम पाथवे। इसमें स्टोमेटा कैसा होता है? सनकेन स्टोमेटा होता है, अंदर धंसा हुआ होता है कि जिससे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट ना हो। क्यूटिकल की थिक लेयर ऊपर होती है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मीन्स ऐसे स्टोमेटा जो दिन में बंद रहें और रात में ओपन हों, उनको हम क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव। ठीक है, डीप रूट सिस्टम होगा जिससे कि ये पानी गहराई से ले सकें, डीप रूट सिस्टम प्रेजेंट। तो ये सारे अडेप्टेशंस जो हो गए वो क्या होंगे? ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के हो गए। थर्ड एग्जांपल, डीप सी में, डीप सी में बेंथिक रीजन। बेंथिक रीजन जो नीचे का रीजन होता है ओशन में या पॉन्ड में, सबसे बेस का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेंथिक रीजन। बेंथिक रीजन में जब पानी उसके ऊपर इतना ज़्यादा है तो वो क्या होगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पर भी अडेप्टेशंस होते हैं, हैव बायोकेमिकल। तो उनके अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन प्रेजेंट हैं और जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनमें अडेप्टेशन ऐसा होता है कि वो इस प्रेशर को विथस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल अडेप्टेशन। फर्दर उसमें मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होता है कि उनकी बॉडी जब प्रेशर ज़्यादा है तो उनकी बॉडी क्या होती है? फ्लैट होती है और चिपटी होती है। ठीक है, जिससे कि वो ऊपर के प्रेशर को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सके प्रेशर और उसको वो विथस्टैंड कर सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर्टिक एंटार्क्टिक रीजन की जो फिशेज होती हैं। ठीक है, आर्टिक एंटार्क्टिक ओशन जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है वहाँ पे जो फिशेस पाई जाती हैं उनको तो मर जाना चाहिए, लेकिन वो रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि उनके बॉडी फ्लूइड में एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूट्स होते हैं जो कि उसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसको फ्रीज नहीं होने देते हैं। अगर नॉर्मल ऐसे फिशेस को डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उनका जो फ्लूइड होगा वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन उनके बॉडी फ्लूइड में जो होते हैं वो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूट्स पाए जाते हैं जिससे कि ये फिशेस वहाँ पर रह सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लबर। ठीक है, ब्लबर जो आर्टिक एंटार्क्टिक रीजन में जैसे सील और पेंगुइन इन सब में क्या होता है कि इनके फैट स्किन के नीचे एक फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जो जिसको क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। ये ब्लबर इंसुलेटर का काम करती है और हीट को बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, तो ये भी एक अडेप्टेशन है। नेक्स्ट, डेजर्ट लेजर्ड। डेजर्ट लेजर्ड में बिहेवियर अडेप्टेशन पाया जाता है। बिहेवियर अडेप्टेशन क्या होता है? मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ठंडी जगह भी चली जाएंगी, अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वो गर्म जगह पे चढ़ी जाएंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बाहर ज़्यादा है तो क्या करेंगी? ये ठंडी जगह पे शैडो में आ जाएंगी। अगर टेम्परेचर कम है तो ये सनबाथ लेने लगेंगी। ये अडेप्टेशन किस में होता है? डेजर्ट लेजर्ड में। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है? जब हम जो नॉर्मल प्लेन्स पे रहने वाले लोग हैं अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो
तो उनको कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे कि नौजिया होना, चक्कर आना, थकान होना, और हार्ट का पैल्पिटेशन रेट बढ़ जाना, ठीक है, तो वॉमिटिंग होना, ये सब क्या है, दीज आर द एल्टीट्यूड सिकनेस सिम्टम्स. होता क्यों है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है. इस वजह से बॉडी, क्योंकि प्लेन्स के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और उनके अंदर ये सिम्टम्स शो होते हैं जिसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस. लेकिन ये बहुत देर तक परसिस्ट नहीं करता है, ये कुछ समय बाद वो सही हो जाता है. कैसे सही होता है, क्योंकि बॉडी में कुछ अडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं. अडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं, कैसे अडेप्टेशंस डेवलप होते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन